अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थ्री स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं। दो मिनट हम इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर आपका लेक्चर शुरू करते हैं। शायद तब तक कोई और भी आ जाए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है आपके साथ इस सिक्स्थ सेमेस्टर में, और टॉपिक है जी मॉडर्न ड्रामा। पिछले सेमेस्टर्स में आप लोगों ने ड्रामा स्टडी किया है। सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को याद होगा आपने ग्रीक लिटरेचर पढ़ा था, जिसमें ग्रीक ड्रामा आपने पढ़ा, उसमें ऑडिपस रेक्स था और एक और ड्रामा था। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने विक्टोरियन ड्रामा पढ़ा, जिसमें विलियम शेक्सपियर आ जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह शामिल थे। अब हम मॉडर्न ड्रामा पढ़ रहे हैं। मॉडर्न ड्रामा वो ड्रामा से जो कि सन 1800 और उन सन 1800 के आखिर में सन 1900 के आगाज में लिखे गए थे। ये ड्रामास बिलाशुबा उस स्टैंडर्ड के तो नहीं थे जो कि विलियम शेक्सपियर ने या क्रिस्टोफर मार्लो ने लिख दिए थे, क्योंकि उनका अपना जमाना था, उनके जमाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका कल्चर उनके साथ था। ये लोग निस्बतन नए दौर के लोग थे, इनके अपने कुछ सेट स्टैंडर्ड्स थे, इनके दौर की आवाम के अपने कुछ मुतालबात थे, कुछ डिमांड्स थी, और इन्हें डेफिनेटली उनके मुताबिक लिखना था। लिहाजा ये ड्रामास जो कि मॉडर्न ड्रामा कहलाता है, ये अपने अंदाज में एक बेहतरीन चीज थी। इस पहले के मॉडर्न ड्रामा को पढ़ना शुरू करें, मैं अपने मिजाज के मुताबिक, अपने स्टाइल के मुताबिक आपको मॉडर्न ड्रामा से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। थोड़ा सा मॉडर्न एज से मुतल्लिक भी हम पढ़ेंगे, वो शायद कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा कि मॉडर्न एज क्या थी। उसके बाद हम पहले ड्रामेटिस्ट की तरफ आ जाएंगे। तो मॉडर्न ड्रामा के इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि मॉडर्न ड्रामा क्या था, कब शुरू हुआ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर एंड हिज कॉन्टेम्प्रेरीज, ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड अ डिक्लाइन फॉर अबाउट टू सेंचुरीज। इस बात में थोड़ी सी वजाहत किए देता हूं कि जब विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे अजीम ड्रामेटिस्ट इस दुनिया से चले गए, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, तो उसके बाद इत्तफाक से प्योरिटन एज शुरू हो जाती है, जिसमें एंटरटेनमेंट के तमाम तर सोर्सेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। थिएटर पर भी पाबंदी थी इंग्लैंड में। इस तरह से ड्रामा अपनी मौत आप मर गया। एक तरफ तो अजीम ड्रामेटिस्ट, अच्छा लिखने वाले इस दुनिया से चले गए, दूसरी तरफ थिएटर पर पाबंदी लगा दी गई, लिहाजा ड्रामा कुछ अर्से के लिए तकरीबन खत्म कर दिया गया। जब वो दौर खत्म हुआ, पाबंदियों का दौर खत्म हुआ, तो उसके बाद अगले दो सदियों के दौरान कोई अच्छा ड्रामेटिस्ट पैदा ना हुआ इंग्लैंड की सरजमीन पर। ड्रामेटिस्ट जरूर आए, ड्रामा भी लिखा गया, ड्रामा परफॉर्म भी किया गया, लेकिन जो काम विलियम शेक्सपियर ने या क्रिस्टोफर मार्लो ने कर दिया था, वैसा काम ना हो सका। ये बदकिस्मती थी लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की। फिर आखिर 1800 सन 1800 की दूसरी दहाई में, 1850 के बाद के जमाने में चंद अच्छे ड्रामेटिस्ट पैदा हुए, जिन्होंने ड्रामा को एक नई जिंदगी दी। वो नई सोच के साथ आए थे,
उनके ड्रामास में वो तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे थे जो कि ग्रीक्स के दौर से, अहले यूनान के दौर से चले आ रहे थे. दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक ट्रेजेडी एंड ग्रीक लिटरेचर इन देयर स्टाइल. भाई उनका अपना स्टाइल था, ड्रामा उन्होंने लिखा लेकिन ग्रीक स्टाइल में उन्होंने ट्रेजेडी नहीं लिखी. दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट किंग्स एंड क्वींस एंड प्रिंस, वो बादशाहों की शहजादों की बातें नहीं करते थे. दे वर टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन, वो तो आम बंदे की बात करते थे, आम शख्स की प्रॉब्लम्स हमारे सामने पेश करते थे, मुआशरे के हालात पेश करते थे, इसलिए वो मॉडर्न थे और यही उनके ड्रामा की स्पेशलिटी थी. दूसरी बात, उनके ड्रामास कोई ब्लैंक वर्स में नहीं थे, दे वर प्रोज ड्रामास. ये कुछ एक अच्छी बातें थी मॉडर्न ड्रामा की. अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस भी करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें से मैंने आपके लिए सवालात एडजस्ट करने हैं. इवन गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रेस्टोर ड्रामा टू द पोजीशन इन इट एंजॉयड इन एल्जबीथन एज. शेरिडन का नाम आता है, एक अच्छा ड्रामेटिस्ट था गोल्डस्मिथ, अपने जमाने का एक अच्छा ड्रामेटिस्ट था, ड्रामा राइटर था, लेकिन इन्होंने भी जो ड्रामा लिखा वो उस मकाम उस मयार तक ना पहुंच सका जो मकाम और मयार ड्रामा को विलियम शेक्सपियर ने और क्रिस्टोफर मॉर्लो ने अता कर दिया था. इट वॉज रिवाइव इन द लास्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी बाय सर्टेन ड्रामेटिस्ट. हाँ, सन 1800 के आखिर में कुछ अजीम ड्रामेटिस्ट आए जिन्होंने दोबारा से ड्रामा को जिंदा कर दिया, हु गेव इट्स रिस्पेक्टेबल प्लेस. इस चीज को मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हु टुक अ प्रीडोमिनेंट पार्ट इन द रिवाइवल ऑफ ड्रामा इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी वर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड ऑस्कर वाइल्ड. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमारे सिलेबस में शामिल है, इसको हम पढ़ेंगे. इसके कमोबेश दो ड्रामास हमने पढ़ने हैं. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि सन 1800 की दूसरी दहाई में 1870-80 के जमाने में राउंड अबाउट लिख रहा था, तो ही वॉज अ बिग नेम, बड़ा नाम था इंग्लिश लिटरेचर में. ऑस्कर वाइल्ड भी इसी तरह से अपने हिस्से का काम कर रहा था. Two important factors were responsible for the revival of drama in 1890s. पहले पैराग्राफ में तो हमने पढ़ा कि ड्रामा की हिस्ट्री को मुख्तसर पढ़ा कि विलियम शेक्सपियर के बाद दो सदियों तक ड्रामा की फील्ड में कोई तरक्की ना हो सकी, ड्रामा तकरीबन मर गया था. उसके बाद सन 1800 के आखिरी सालों में, सन 1800 की आखिरी दहाइयों में, 1870-80-90 के दौरान कुछ अच्छे ड्रामास लिखे गए. ड्रामा की मुख्तसर तारीख पढ़ी. अब इस जमाने में ड्रामा क्यों रिवाइव हुआ, इसकी रीबर्थ क्यों हुई, ये क्यों पॉपुलर हुआ, इसके कुछ रीजंस हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं. वन वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन हु इंस्पायर्ड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ टू डील विद सीरियस सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स इन अ काम एंड सेंसिबल वे. इब्सन, हेनरिक इब्सन, एक बहुत बड़ा नाम है, आपके सिलेबस में शामिल है, और कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हेनरिक इब्सन से ही हमने अपना काम शुरू करना है, इसी को हमने पढ़ना है. पहला ड्रामेटिस्ट जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडर्न ड्रामास में, वो हेनरिक इब्सन है. अभी इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कल का पूरा लेक्चर इसी के नाम है, हो सकता है आज का लेक्चर भी हेनरिक इब्सन पर डिस्कशन के लिए वक्फ हो जाए. इब्सन बिलोंग्स टू नॉर्वे, ये नॉर्वे का रहने वाला था. नॉर्वे जो कि बर आजम यूरोप में नॉर्थ में एक इंतहाई सर्द मुल्क है. नॉर्वे वो खिता है जिससे मुतल्लिक मिडनाइट सन मशहूर है, आधी रात को चांद चमकना मशहूर है, क्योंकि नॉर्वे दुनिया का वो खिता है जो कि एक्सट्रीम वेदर में आता है. वहां साल में 6 माह मुसलसल सर्दी पड़ती है जिसमें सूरज आसमान पर नजर नहीं आता, और साल के अगले 6 माह सूरज मुसलसल आसमान पर नजर आता है, लेकिन बहरहाल वो खिता इतना सर्द है कि सूरज 6 माह चमकता है तब भी वहां पर गर्मी हरारत नाम की कोई चीज नहीं होती. टेम्परेचर इज फ्रीजिंग कोल्ड, नियरली
होल ईयर, सारा साल ये टेम्परेचर जीरो के करीब करीब रहता है। एनीवे, हेनरिक इब्सन नॉर्वे का रहने वाला था। इसने अपनी नॉर्वेजियन लैंग्वेज में ड्रामास तख्लीक किए, बड़े आला ड्रामास लिखे। हाँ, इसकी कमजोरी खामी ये थी कि इसके ड्रामास प्योर ट्रेजेडीज थे, उसमें रोमांस नाम की कोई चीज नहीं थी, मिजाह नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ही वॉज एक्सट्रीमली सीरियस, और इसके संजीदा सीरियस होने की कुछ वजह इसके अपनी जिंदगी के हालात, इसकी गुर्बत भी थी, क्योंकि इसने अपना बचपन बड़ी गुर्बत में बसर किया था, ट्रेजेडीज में बसर किया था। तो हेनरिक इब्सन को जब पढ़ा लोगों ने, क्योंकि इसके ड्रामास पूरे यूरोप में परफॉर्म किए जाते थे, इसने जदीद किस्म का ड्रामा लिख के, मॉडर्न ड्रामा लिखकर, प्रोज ड्रामा लिखकर दुनिया को हैरान कर दिया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विलियम शेक्सपियर के जमाने तक जो ड्रामास लिखे जाते थे वो बादशाह और शहजादों की कहानियां हुआ करती थी, क्योंकि वो ग्रीक लिटरेचर से उधार लिए गए थे, उनका स्टाइल, उनका कॉन्सेप्ट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ग्रीक लिटरेचर से उधार लिए गए थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एरिस्टोटल ने वजह कर दिए थे। लेकिन ये शख्स इब्सन उन चीजों को रिजेक्ट करते हुए अ कॉमन मैन, अ मैन इन द स्ट्रीट, आम शख्स की बात करता है, एक आम शख्स की ट्रेजेडीज का जिक्र करता है। इट वॉज समथिंग न्यू एंड शॉकिंग, ये अवाम के लिए भी एक नई चीज थी, हैरानकुन बात थी कि इब्सन ने तो वो बात कही जो मेरे साथ रूनुमा हो चुकी है। हर ड्रामा देखने वाला, ड्रामा पढ़ने वाला जब ड्रामा देखकर थिएटर से बाहर निकलता था, वो तो वो सोचता था कि यार ये जो मैंने आज देखा है ये तो मेरी अपनी कहानी है, अरे ये तो मेरी फैमिली की कहानी है, ये मामला तो मेरी गली में भी रूनुमा हो चुका है। तो इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग, एंड इट वॉज समथिंग न्यू फॉर द पीपल। लिहाजा हेनरिक इब्सन से मुतासिर हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड, बाकी लोग भी बड़े मुतासिर हुए, और उन्होंने सोशल ड्रामास प्रोड्यूस किए। सोशल ड्रामा से मुराद उन्होंने वो मसाइल अपने ड्रामास में हाईलाइट किए जो उनकी सोसाइटी में, उनके माशरे में मौजूद थे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाम एक ट्रिब्यूट ये है कि ये शख्स मिजाहिया अंदाज में, बड़े हल्के फुल्के मिजाह के साथ अपने माशरे की बड़ी बड़ी गंदगी और बुराइयों को हाईलाइट करता था, मगर अंदाज ऐसा था कि कोई शख्स एतराज नहीं कर पाता था। और जब तक ड्रामा देखा जाता है, जब तक इसका ड्रामा पढ़ा जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहती है। द अदर फैक्टर, हाँ जी, अब दूसरी रीजन की तरफ आते हैं। फर्स्ट रीजन क्या थी कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय इब्सन, हेनरिक इब्सन से मुतासिर हुए थे जी। द अदर फैक्टर वॉज सिनिकल एटमोसफियर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम विच अलाउड ऑस्कर वाइल्ड टू ट्रीट द मॉरल assumptions of Victorian age. दूसरा वो cynical atmosphere था कि उस दौर में Victorian age में मुआशरे की इखलाकी हालत बड़ी बिगड़ी हुई थी। With frivolity and made fun of their conventionality. तो ऑस्कर वाइल्ड साहब ने विक्टोरियन एज की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, उनकी जो भी कन्वेंशंस थी, और जो शैलोनेस था, सतीपन था, उसका मजाक उड़ाया था। अभी विक्टोरियन एज क्या थी, उन लोगों की फ्रिवोलिटीज और कन्वेंशनैलिटी क्या थी, इसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। ये पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, विक्टोरियन ड्रामा आपने पढ़ा होगा, विक्टोरियन एज आपने, हाँ विक्टोरियन एज, विक्टोरियन लिटरेचर का आपने जिक्र पढ़ रखा है पिछले सेमेस्टर में। मुख्तसर आपको बयान कर देता हूं, 1832 या 37 के दौरान ये दौर शुरू होता है विक्टोरियन एज, जब मलिका विक्टोरिया इक्तदार में आती है, और 1900 तक विक्टोरियन एज चलती है। ये बड़ा लंबा दौर है इंग्लिश लिटरेचर में, और इत्तफाक की बात है कि जब क्वीन विक्टोरिया इक्तदार में आती हैं, उसी दौर में चंद साल पहले, दो तीन साल पहले, क्वीन विक्टोरिया के इक्तदार में आने से दो तीन साल पहले लिटरेचर में ट्रेंड्स बदल रहे थे।
नई चीज सामने आ रही थी, उससे पहले रोमांटिक एज थी, रोमांटिसिज्म था, अब रियलिटी की तरफ लोग आ रहे थे। लिखने वाले अपने मुआशरे की हकीकतों को, करप्शन को बयान करना पसंद करते थे, और वो भी रियलिस्टिकली एंड इन द इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल। दूसरी चीज विक्टोरियन एज की, पहली चीज तो ये कि ये बड़ा लंबा दौर था जब तक तो मलिका विक्टोरिया इक्तदार में रही, इसके दौर को विक्टोरियन एज कहा गया लिटरेचर में। उसके बाद दूसरी बात कि विक्टोरियन एज इंडस्ट्रियल एज थी, सनत तेजी से तरक्की कर रही थी, सिटीज वर एक्सपेंडिंग, शहरों की हदें बढ़ती जा रही थी, गांव से लोग मुलाजमत की तलाश में शहरों की तरफ हिजरत कर रहे थे, और शहरों में उनके लिए बहुत बुरे हालात थे, गंदगी थी, उनकी सेहत के लिए कोई इंतजामात नहीं थे, उनकी रिहाइश के लिए इंतजामात नहीं थे, करप्शन बेतहाशा थी, मजदूरों से ज्यादा काम लेकर कम उजरत देना रिवाज था, क्रुएलिटी जुल्म था, हिपोक्रेसी थी, मुनाफकत थी, और उसी के साथ साथ ये मुआशरा अपने आप को बड़ा बा इखलाक मुआशरा समझता था। बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मोरालिटी का प्रचार किया जाता था। इस मुनाफकत को, डबल फेस्ड पॉलिसी को जब ऑस्कर वाइल्ड ने देखा, जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने देखा, तो उन्होंने इसे अपने ड्रामा में बयान किया। तो जनाब ये चंद एक रीजंस हैं कि जो ड्रामा 1890s के दौर में लिखा गया, जैसे मैंने पहले कहा कि 1870s से ऑनवर्ड्स, 1870 से आगे की तरफ जो ड्रामास लिखे गए उनको मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो ओल्ड ट्रेडिशंस से हटकर थे। ये है जी मॉडर्न ड्रामा। उसके बाद इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मॉडर्न ड्रामा के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एक खूबियां हैं, वो हम पढ़ना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या था मॉडर्न ड्रामा में कि जिसने लोगों को एक बार फिर से हैरान कर दिया, और लोगों ने एक बार फिर से थिएटर का रुख किया 200 साल बाद, विलियम शेक्सपियर के जमाने के बाद कमोबेश 200-250 साल बाद लोगों ने फिर से थिएटर का रुख किया। पहली चीज रियलिज्म, इसका हम जिक्र कर चुके हैं, मैं मुख्तसर बयान कर देता हूं इसकी टेक्स्ट पढ़ने से पहले। मॉडर्न ड्रामा की स्पेशलिटी ये थी, खसूसियत ये थी कि उसमें मुआशरे की हकीकतों को, मुआशरे के हालात को, वहां की करप्शन को, डबल फेस्ड पॉलिसीज को, हिपोक्रेसी मुनाफकत को सीधे साफ लफ्जों में बयान किया जा रहा था, कोई शुगर कोटेड बात नहीं थी। ये रियलिज्म था। उस दौर के ड्रामास में इमेजिनेशन नहीं था, जिनों भूतों की शहजादों की कहानियां नहीं थी। उन ड्रामास में, उस दौर के नॉवेल्स में भी, हाँ मुझे याद आता है कि पिछले सेमेस्टर में आपने विक्टोरियन नॉवेल पढ़ा हुआ है, उस दौर के नॉवेल्स में भी, ड्रामास में भी हीरो एक आम मिडिल क्लास शख्स हुआ करता था, जो कि बचपन से जवानी की तरफ अपना सफर करता है, गुर्बत में, मुश्किलात में, बाज़ुकात यतीमी में भी। तो ये रियलिज्म है जी। रियलिज्म इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। रियलिज्म क्या था? जदीद ड्रामा की सिग्निफिकेंट क्वालिटी थी, खास खूबी थी। द ड्रामेटिस्ट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी वर इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन द रियलिस्टिक वे। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वो अपने मुआशरे की और इर्द गिर्द की हालत को देखकर ड्रामा लिखते थे, तो उसी बात को यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ कहा गया है। जिंदगी की मुश्किलात का वो जिक्र करते थे, और जिंदगी किसकी? आम शख्स की जिंदगी, एक मिडिल क्लास पर्सन की जिंदगी। इट वॉज हेनरिक इब्सन हु टॉट मैन दैट रियल ड्रामा मस्ट डील विद ह्यूमन इमोशंस एंड विद थिंग्स विच आर डियर टू ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। डियर टू ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, ये बहुत बड़ी बात है जनाब, जो कि हेनरिक इब्सन ने यूरोप वालों को सिखाई। इससे पहले तो ड्रामा की दुनिया में यूरोप वाले ग्रीक्स को फॉलो करते हुए बादशाहों और शहजादों का जिक्र करते थे। उनका ख्याल था, बल्कि पूरी दुनिया वालों का ख्याल था, कि ट्रेजेडी तो सिर्फ बादशाहों और शहजादों की ट्रेजेडी होती है, आम लोगों की ना कोई हैसियत है, ना उनके साथ पेश आने वाले हादसात की कोई हैसियत है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, बादशाहों शहजादों की ट्रेजेडीज
अहम हैं और वो सारे मुआशरे को खित्ते को मुतासिर करती हैं। लेकिन हेनरी किप्सन ने पहली बार यूरोप वालों को बताया समझाया कि जनाब अ कॉमन मैन ऑल्सो मैटर्स, कि एक अहम शख्स, एक आम शख्स भी अहमियत रखता है और उसकी ट्रेजेडी भी हकीकतन ट्रेजेडी होती है। लिहाजा हेनरी किप्सन ने लोगों को बताया कि जो आम बंदे की फीलिंग्स हैं, जो उसकी सोच है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसके मसाइल हैं, उसको हाईलाइट करो, ये इंटरेस्टिंग है। तो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट देयरफॉर गेव अप द सुडो क्लासिकल रिमोटनेस ऑफ देयर प्रीडिसेसर्स। सुडो क्लासिकल रिमोटनेस, जिसका जिक्र मैं कोई 3 से 4 मरतबा कर चुका हूँ, वही ओल्ड ग्रीक ट्रेडिशंस की तरफ इशारा है। एंड बिगेन टू ट्रीट इन देयर प्लेस द एक्चुअल इंग्लिश लाइफ। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने मुआशरे की जिंदगी, इंग्लिश लाइफ को डिपिक्ट करना शुरू किया, उसकी मंजर कशी शुरू की अपने ड्रामास में, और ये रियलिटी थी, ये रियलिज्म था। द न्यू ड्रामेटिस्ट मेनली डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, जस्टिस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्राइफ बिटवीन लेबर एंड कैपिटलिज्म। लेबर एंड कैपिटलिज्म, सरमायादार और मजदूर के दरमियान का जो झगड़ा था, वो जो जुद्दोजहद थी, वो एक बहुत अहम मामला था विक्टोरियन एज का। उसके बाद जस्टिस एंड लॉ, उस जमाने में यूरोप के मुआशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट के कानून को फॉलो करते थे, बिल्कुल वही कानून जो आज के दौर में हमारे मुआशरे में फॉलो किया जा रहा है। ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी एंड यूथ एंड सेक्स, पेरेंटल अथॉरिटी की बात करते थे और नौजवानों के मसले पर बात करते थे। Characters in their place are dissatisfied and restless. आखिरी पॉइंट क्या है कि उनके ड्रामास में पेश किए गए कैरेक्टर्स गैर मुतमईन है, dissatisfied है, वो बड़े restless है, बड़े बेचैन है, गोया कि वो उलझन में है, वो जहनी सुकून चाहते हैं, वो अपने लिए एक मकाम हासिल करना चाहते हैं। कल इंशाल्लाह जब हम हेनरिक इब्सन का पहला ड्रामा पढ़ेंगे द डॉल्स हाउस, जो कि आपका अगला लेक्चर है, उसमें हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है वो एक खातून का है, वो हीरोइन है, एंड शी इज रेस्टलेस, शी इज परप्लेक्स, वो बड़ी बेचैन है, बेताब है, वो चाहती क्या है, वो मुआशरे की पाबंदियों से आजादी चाहती है, क्योंकि उस दौर में खवातीन पर बहुत सी पाबंदियां थी यूरोप के मुआशरे में। और वो खातून डॉल्स हाउस की हीरोइन, जिसको हम कल स्टडी करने जा रहे हैं, वो इन पाबंदियों से, नाजायज पाबंदियों से आजादी चाहती है, यही उसकी रेस्टलेसनेस थी। तो जब मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स में से, खूबियों में से एक चीज रियलिज्म है, और हमने जितने भी ड्रामास पढ़ने हैं कल के दिन से शुरू करके, कल के लेक्चर से शुरू करके ऑनवर्ड्स, हमने जितने भी ड्रामास पढ़ने हैं उनमें सबसे बड़ी बात रियलिज्म है, उसमें रियलिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है। दूसरी चीज आ जाती है जी, आयरिश मूवमेंट है। आयरिश मूवमेंट को मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ। आयरलैंड एक जमीन का एक टुकड़ा है, खित्ता है, इलाका है, जिस पर उस जमाने में इंग्लैंड का कब्जा था, और आयरिश पीपल अपनी आजादी चाहते थे। बिकॉज आयरिश पीपल हैड देयर ओन आयरिश लैंग्वेज, दे हैड देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एंड दे हैड अ पीस ऑफ लैंड। सबसे पहले उनके पास एक खित्ता था, उस खित्ते में उनकी अपनी जुबान बोली जाती थी, उनका अपना कल्चर था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एंड दे डिड नॉट लाइक द इंग्लिश डोमिनेंस, वो इंग्लिस्तान वालों की डोमिनेशन पसंद नहीं करते थे। और उस दौर में 1800 में आयरिश मूवमेंट अपने अरूज पर थी, कत्लो गारत भी हो रही थी, और ये बाकायदा एक टेररिस्ट मूवमेंट बन चुकी थी, दहशतगर्दी भरी मूवमेंट, तहरीक बन चुकी थी, खून रेजी, कत्लो गारत जरूरी लाजमी हिस्सा बन चुका था इस आयरिश मूवमेंट का। आयरलैंड के लोग, आयरिश पीपल आजादी चाहते थे किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर। और जो आयरिश राइटर्स थे, जैसे कि यीट्स है जी, डब्ल्यू बी यीट्स को हम पहले पढ़ चुके हैं, यीट्स ने आयरिश मूवमेंट का जिक्र अपनी पोइट्री में, अपनी शायरी में अक्सर किया है, और आपने पढ़ा होगा कि डब्ल्यू बी यीट्स को आयरलैंड का नेशनल पोइट भी डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि इसने ना सिर्फ आयरिश मूवमेंट में खुद से हिस्सा लिया था, बल्कि अपनी पोइट्री के जरिए से आयरिश मूवमेंट को बड़ा हाईलाइट किया था।
तो उस जमाने के ड्रामा में आयरिश मूवमेंट का रंग बड़ा वाजे नजर आता है, स्पेशली यीट्स के ड्रामास में। अ न्यू ट्रेंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा बाय द आयरिश ड्रामेटिस्ट हु एक्सप्रेस द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ द आयरिश पीपल। तो जो ड्रामेटिस्ट स्पेशली आयरलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने अपने ड्रामा में बताया लोगों के उनके पास अभी एक होप, एक उम्मीद बाकी है। एंड दे वर नॉट गोइंग टू ले डाउन देयर वेपन्स, उन्हें हथियार नहीं डालने। ड्रामेटिस्ट लाइक यीट्स, जे.एम. सिंह एंड टी.सी. मरे एडवोकेटेड द आयरिश मूवमेंट इन ड्रामा। हियर इट इज इम्पोर्टेंट टू थ्रो लाइट ऑन द मूवमेंट एंड इट्स मोटिव्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडर। द आयरिश मूवमेंट वॉज अ होम रूल मूवमेंट। ये जनाब अगर आपसे पूछा जाए कि वट वॉज आयरिश मूवमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वट वॉज आयरिश मूवमेंट, तो जनाब ये जो लास्ट टू लाइन्स में पढ़ रहा हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट कर दी है, ये आयरिश मूवमेंट से मुतल्लिक है। द आयरिश मूवमेंट वॉज अ होम रूल मूवमेंट फॉर द पीपल ऑफ आयरलैंड। इट स्टार्टेड इन 1870s एंड कंटिन्यूड टिल आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। तो 1870s में ये सिलसिला शुरू होता है आयरिश मूवमेंट का, और वर्ल्ड वॉर वन के अहतमाम के बाद, यानी 1918-1918 1919 तक ये सिलसिला जारी रहता है। और उस दौर के ड्रामास में, मॉडर्न ड्रामास में आयरिश मूवमेंट की झलक हमें दिखाई देती है। उस बार नेक्स्ट किया जी, प्ले ऑफ आइडियाज। उस दौर के ड्रामास में आइडियाज को डिस्कस किया जाता था। इन द न्यू ड्रामा इज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज। तो मैं थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूं। न्यू ड्रामा इज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज वेयर अ नंबर ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। इनर कॉन्फ्लिक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर आउटर कॉन्फ्लिक्ट विद द रिजल्ट दैट ड्रामा बिकेम क्वाइटर एंड स्लो। आइडियाज को पेश किया गया, और क्या था, नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, नंबर ऑफ थीरीज नीड टू बी एक्सप्लेन्ड, इनर कॉन्फ्लिक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर आउटर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट का तो जिक्र था, लेकिन इसके साथ ही साथ अब जो आउटर कॉन्फ्लिक्ट थे, जो वजूद से बाहर की बात थी, जो मुआशरे में तजाद झगड़े चल रहे थे, उन पर भी बात हुई। द ड्रामेटिस्ट यूज स्टेज एज अ प्लेटफॉर्म टू गिव एक्सप्रेशन टू सर्टेन आइडियाज विच ही वांट्स टू स्प्रेड इन सोसाइटी। न्यू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आल्सो हेल्प द ड्रामेटिस्ट इन द स्टडी ऑफ द सोल। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी ड्रामा में, क्योंकि इससे पहले इस चीज को ना तो शायरी में कभी प्रैक्टिस किया गया था, आजमाया गया था, ना ड्रामा में, ना कहीं और, के राइटर के जहन में एक आइडिया है, ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज फिलोसफी विद द पीपल। राइटर अपना फलसफा लोगों से शेयर करना चाहता है। भाई वो कैसे करे, उसने थिएटर को, स्टेज को अपने लिए एक वेपन, एक हथियार बनाया, ड्रामा लिखा, अपनी थीरी, अपनी फिलोसफी, अपना नजरिया, अपनी सोच उसमें भर दिया, ड्रामा परफॉर्म किया गया, लोगों को उसने बताया कि मैं इस तरह से सोचता हूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरे आइडियाज हैं। तो इसलिए वो क्या था, वो प्ले ऑफ आइडियाज से। जो आखिरी लाइन है, न्यू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आल्सो हेल्प द ड्रामेटिस्ट इन द स्टडी ऑफ सोल। और साइकोलॉजी में जो भी स्टडी हो रही थी, उसके बाद उसको बुनियाद बनाते हुए ड्रामेटिस्ट ने स्टडी ऑफ सोल का भी, स्टडी ऑफ सोल को भी एज अ टॉपिक आजमाया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, ये ड्रामास हुआ करते थे। इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ड्रामास लिखे गए उस जमाने में, लेकिन उसको एक खास नाम दिए गए, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता था। मॉडर्न पीरियड टू अ ग्रेट एक्सटेंट वॉज लाइक द ऑगस्टन पीरियड बिकॉज ऑफ द रिटर्न ऑफ द विटी सार्केस्टिक कॉमेडी। तो जनाब उस जमाने में जो कॉमेडी लिखी गई, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स खास तौर पर इसलिए कहा गया क्योंकि ड्रामा में जो भी मिजाह पैदा किया जाता था, वो विट थी, सार्केस्टिकल था, डायलॉग्स में तंज था, तीखे डायलॉग्स, अल्फाज चुभने वाली बातें की जाती थी।
सिचुएशन का मिजाज नहीं, कैरेक्टर का मिजाज नहीं, लफ्जों का मिजाज होता था. ऑस्कर वाइल्ड, मैगम एंड कॉवर्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. लेकिन यह है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत पॉपुलर ना हो सका. ड्रामा का वजूद जरूर था लेकिन अवाम ने इसको बहुत पसंद नहीं किया. इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म दो बड़ी करीब करीब की बातें हैं. ये दो टर्म्स हैं, लिटरेरी इस्तलाहात हैं जो एक दूसरे के बड़ा करीब हैं. इम्प्रेशनिज्म क्या जी? इट वॉज अ मूवमेंट दैट शोड द इफेक्ट ऑफ इवेंट्स एंड थिंग्स ऑन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट, एंड द आर्टिस्ट इन रिटर्न ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज एक्सप्रेशंस थ्रू द मीडियम ऑफ ड्रामा एंड पेंटिंग. इम्प्रेशनिज्म जनाब सन 1900 के आगाज में एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई थी. इम्प्रेशनिज्म इनफैक्ट सब्जेक्टिव था. इम्प्रेशनिज्म क्या था कि राइटर, कोई ड्रामेटिस्ट, कोई पोइट अपने इर्द गिर्द के हालात से मुतासिर होता है, वो इफेक्ट असर कबूल करता है और फिर वो उसको अपने ड्रामा में बयान करता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था प्ले ऑफ आइडियाज का, कि एक राइटर अपने आइडियाज को, अपने फलसफा को लोगों तक पहुंचाता है. तो इसी तरह से इम्प्रेशनिस्ट क्या करते थे, वो मुआशरे में जिस बात से मुतासिर होते थे उस बात को वो ड्रामा में पेश करते थे. और इस तरह से पेश किया जाता था, ऐसे लफ्जों की तस्वीर बनाई जाती थी कि पढ़ने वाला एक इम्प्रेशन, एक तासुर कबूल करता था. इम्प्रेशनिज्म कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामा. ये मॉडर्न ड्रामा का एक अहम फीचर था. डब्ल्यू बी यीट्स पैट्रोनाइज दिस मूवमेंट इन ड्रामा और डब्ल्यू बी यीट्स ने इसमें हिस्सा लिया. उसके बाद एक्सप्रेशनिज्म है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगी, इसको खुद से पढ़ लीजिए. इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म एक दूसरे के बहुत करीब है. पोइट्रिक ड्रामा है जी, पोइट्रिक ड्रामा जो जरा शायराना अंदाज में लिखा जाता था लेकिन ज्यादातर प्रोज का जिक्र था. पोइट्रिक ड्रामा को मैं मुख्तसर पढ़ देता हूँ. द पोइट्रिक ड्रामा इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न एज. ये मॉडर्न एज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाई सीरियसनेस एंड कॉलोक्विल एलिमेंट. कॉलोक्विल मतलब होता है आम बोल चाल से मुतल्लिक. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द एंशिएंट एंड द न्यू. नए और पुराने का कॉम्बिनेशन था, तजर्बा था. क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो पुराना ड्रामा था, स्पेशली विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मॉर्लो ने जो ड्रामा लिखा वो ब्लैंक वर्स थी. ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है. लेकिन जो मॉडर्न ड्रामा था वो प्रोज थी. हाँ, लेकिन इसी मॉडर्न एज में कुछ शायरों ने पोइट्रिक ड्रामा लिख के नए और पुराने स्टाइल को मिक्स करके एक नया तजर्बा किया था. इट्स सिम्बॉलिक एंड डिफिकल्ट. Its verse form is blank verse or free verse. Its mechanism is imaginary. Its substance is myth and its binding force is musical pattern. तो जनाब यहां तक पोइट्रिक ड्रामा की क्वालिटीज को बयान किया गया है, इसके स्टाइल को, टेक्निक को बयान किया गया है कि एक तो वो ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स में लिखा जाता था, दूसरा उसमें मिथ थी, कुछ आइडियाज, कुछ इमेजिनेशन थे, वो हकीकत से थोड़ा परे हुआ करता था और इसका स्टाइल, इसका पैटर्न जरा म्यूजिकल था. यह था जी मॉडर्न ड्रामा, उसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी. अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न एज को थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा. सिर्फ एक मिनट मैं खामोशी इख्तियार करूंगा आपके लिए. मैं न्यू स्क्रीन खोल रहा हूं. जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो मॉडर्न पीरियड वाला एक लेक्चर आपके सामने है. भाई हम मॉडर्न ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं.
मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियड था क्या, मॉडर्न एज क्या थी। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता हूं कि हर एक पोइट ड्रामेटिस्ट राइटर अपने जमाने का हिस्टोरियन होता है, अपने जमाने का अक्स पेश करता है, जो कुछ उसने अपने इर्द गिर्द देखा वो उसको बयान करता है। तो मॉडर्न ड्रामा पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न एज क्या थी, उसके हालात क्या थे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ आपके लिए, द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर आपके लिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको भी देखने में आसानी हो, मुझे पढ़ाने में आसानी हो। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इट फॉलोड द विक्टोरियन एज। मॉडर्न एज कब शुरू होती है? जैसे ही सन 1900 का आगाज होता है, जब विक्टोरियन एज खत्म होती है। लेकिन याद रहे कि जो लिटरेचर में एजेस होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक साल खत्म हुआ, नया साल शुरू हुआ तो जनाब ये अनाउंस किया गया कि 31 दिसंबर तक ये फलां फलां एज थी, आज जनवरी की पहली तारीख है, नया साल है, लिहाजा नया इज्म शुरू हो गया है, लिटरेचर में टेस्ट बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब लिटरेचर में एजेस बदलती हैं तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ट्रेंड्स बदलने लगते हैं, उनकी सोच बदलने लगती है और लिटरेचर पढ़ने से मुतलिक उनकी डिमांड्स बदलने लगती है और चंद साल लगते हैं, पुराना स्टाइल पीछे हटने लगता है, राइटर्स पोइट्स ड्रामेटिस्ट नया स्टाइल अपनाते हैं, नए स्टाइल पर लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ चंद सालों में, 2, 4, 10, 12 साल में इज्म चेंज हो जाता है। विक्टोरियनिज्म, विक्टोरियन एज से मॉडर्न एज की तरफ का ये सफर भी चंद साल में पूरा होता था। 1800 के आखिरी सालों में, आखिरी दो दहाइयों में, सन 1880-90 में, स्पेशली 1890s में, अब लोगों ने विक्टोरियन एज और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन से अपनी उकताहट बेचैनी का इजहार शुरू कर दिया था। दे वर फेड अप, वो उकता गए थे, दे वांटेड समथिंग न्यू, और इस चीज को उस दौर के लिटरेचर में पेश करना शुरू कर दिया था। हाँ, तारीख के हवाले से यही कहा जाता है कि जैसे ही नई सदी शुरू हुई, सन 1900 का आगाज हुआ, तो लिटरेचर में मॉडर्न एज शुरू हो गई। लेकिन मॉडर्न एज की आगाज 1890 से शुरू हो चुका था, लोगों ने पुराने दौर से मुतलिक उकताहट का इजहार करना शुरू कर दिया था। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्जर्वेटिव रूल्स। कॉन्जर्वेटिव रूल्स एक बहुत बड़ी बात है मॉडर्निज्म से मुतलिक, कि भाई मॉडर्निज्म आखिर था क्या। ये मॉडर्निज्म विक्टोरियन एज के खिलाफ एक बगावत थी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि विक्टोरियंस जो थे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बड़े पाबंद थे, उनके मुआशरे में बड़ी सख्तियां थी, बड़ी पाबंदियां थी, लेकिन इसके साथ ही साथ देवर करप्ट, देवर हिपोक्रेट, वो मुनाफिक लोग थे, करप्ट थे, अखलाकियात की बात करते थे, कानून कायदों की बात करते थे, हकीकत में वो खुद ही कानून तोड़ते थे। और मॉडर्न एज में इस चीज को हाईलाइट किया गया कि जनाब तुम जो कहते हो वो करते नहीं, तुम मुनाफिक हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज दैट इट अपोज टू द जनरल एटीट्यूड ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स अडॉप्टेड बाय द विक्टोरियंस। यानी विक्टोरियंस जिंदगी से मुतलिक जो सोचते थे, जो उनका जनरल एटीट्यूड था, उसको रिजेक्ट किया गया। द यंग पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी रिगार्डेड द विक्टोरियन एज एज हिपोक्रिटिकल एंड द विक्टोरियन आइडियाज एज मीन, सुपरफिशियल एंड स्टूपिड। इस चीज का मैं अभी जिक्र कर चुका हूं कि विक्टोरियन पीपल ख्याल करते थे, विक्टोरियन एज वाले, कि जनाब वो बड़े बाखलाक हैं और वो बड़े कवानीन की पाबंदी करने वाले लोग हैं। लेकिन सन 1900 के आगाज में जो नई नस्ल थी, उन्होंने कहा अपने ही